चलो भाई साहब, बात करने वाले अपने मेगा स्टार सलमान भाई की अपकमिंग ड्रीम प्रोजेक्ट यानी एटली सिक्स के बारे में, एटली की सिक्स मूवी के बारे में, जो कि सलमान भाई एंड कमल हसन साहब के साथ होने वाला है। एंड इसको लेके इससे पहले भी मैंने आप लोगों को अपडेट दिए थी कि किस तरीके से क्या सीन है, सलमान भाई के सुनाए गए हैं, उन्होंने बाकायदा कहा है कि इसके स्क्रिप्ट के ऊपर काम करें, जो बनाना चाहते जो विजन आपने दिखाया उसको क्रिएट करें, लिखे स्टोरी को पूरी तरीके से, देन उसके बाद जो है हम बात करेंगे। तो कुछ इस तरीके से चीजें हैं। तो अभी फिलहाल एटली कुमार का जो ये काम है ये चल रहा है, स्टोरी लिखना विखना जो भी चीजें है वो ऑन द वे है। ऐसा नहीं कि उसको साइड कर लिया गया है, ऐसा आप लोग बिल्कुल ना समझे, स्टोरी लिखना स्टार्ट हो चुका है, इसके ऊपर एटली काम कर रहे हैं। एटली का सिक्स नंबर प्रोजेक्ट ये है एंड सात नंबर प्रोजेक्ट आप लोगों को पता है वो अल्लू अर्जुन के साथ है। एंड काफी पहले जब इंटरव्यू हुआ था, काफी पहले का मतलब है कि जब जवान मूवी आने वाला था तो काफी सारे इंटरव्यूज के अंदर जब पूछा गया है तो उन्होंने जिक्र किया है, उन्होंने खुद से ये कहा है कि शाहरुख खान के साथ मैंने काम किया, अब जो मेरी दिली ख्वाहिश तमन्ना है मुझे सलमान खान के साथ काम करना है। एंड मैंने उनको स्टोरी भी सुना कुछ जिस तरीके से, काफी सारे बात तो उन्होंने खुद से जो है मेगा स्टार के साथ यानी अपने सलमान भाई के साथ काम करने की इच्छा जताई है। तो अब वो जितने भी चीजें हैं वह पूरा होने जा रहा है। ये दोनों धुरंधर, ये दोनों मेगा स्टार्स अब आने वाले हैं एटली के इस बिग ड्रीम प्रोजेक्ट के अंदर, जिसको लेके एटली भी बहुत ही सीरियस है। एंड आई होप कि ये जब बनेगा इसका जितना भी चीज एग्जीक्यूशन होगा ये बहुत ही बाकमाल होगा। काफी पहले ये एक अपडेट आया था, अभी नहीं पता कि ये कितना सच है क्या है, बट ये अपडेट उस टाइम पे तो काफी स्ट्रॉन्ग अपडेट था क्योंकि काफी अच्छा सोर्सेस से ये अपडेट मिला भी था। एंड उस टाइम पे बताया गया था कि जब भी काम स्टार्ट होगा यानी एटली सिक्स का जब भी काम स्टार्ट होगा उससे पहले प्रॉपर अनाउंसमेंट वीडियो आएगा, जो कि मैंने जब एटली सिक्स वाला वीडियो बनाया था दोनों वीडियोस के अंदर ही मैंने ये चीज इंक्लूड किया था कि ये कहा गया था। तो अभी जितना अपडेट निकल के आया है, जितना आ रहा है कि ये वाला जो बर्थडे है अपने भाई का ये काफी शानदार जाने वाला है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे आपको भाई के मूवीज के प्रोजेक्ट्स के अपडेट्स मिलने वाले हैं। यानी से पहले वाला जो बर्थडे था, मैं ये नहीं कह रहा है कि पिछला वाला बर्थडे फीका था, उनका हर बर्थडे फेस्टिवल ही होता है हम फैंस के लिए, लेकिन ये वाला जो बर्थडे है ना ये काफी क्रूशियल है क्योंकि दोनों मूवी ऑलमोस्ट साइन है। एक मूवी के अंदर तो प्रॉपर काम कर रहे हैं और दूसरा मूवी कह सकते हो कि वो स्टार्ट ही करने वाले हैं, वो सलमान भाई का ग्रीन सिग्नल उसमें मिल ही चुका है एंड सब चीजें सही चल रहा है। अपडेट के अकॉर्डिंग जितना बताया जा रहा है कि बर्थडे के अंदर ही जो है इस मूवी का ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो सकता है। जी हाँ, टाइटल रिवील हो सकता है या तो ऑफिशियली एक पोस्ट आ सकता है कि हाँ भाई इस मूवी में ऑनगोइंग काम चल रहा है और ये 26 ईद में आने वाला है। अभी से ही ये प्लानिंग हो चुका है कि नेक्स्ट ईयर 26 में नॉट ओनली शाहरुख खान, नॉट ओनली रणबीर कपूर, उन दोनों के बीच में अब मेगा स्टार सलमान खान भी ईद को कब्जा करने आ रहा है। तो दोनों थोड़ा संभाल के रहो क्योंकि आपको पता है ईद एक ऐसा त्योहार है जहां पे सलमान भाई जब भी आते हैं निराश नहीं करता, सलमान भाई को ईद ही जरूर मिलती है। तो ये बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है। तो नेक्स्ट ईयर 2026 में भाई कमाल होने वाला है कुछ। और अभी फिलहाल हमारा मेन फोकस सिकंदर, बट इस मूवी का भी जब भी अनाउंसमेंट आएगा ना सीरियसली बता रहा हूँ इंटरनेट ही लेगा। जैसे शाहरुख भाई ने क्या कमबैक किया था जवान से, इससे पहले पठान में किया था, उसके बाद क्या क्रेज था जवान के अंदर, क्या ही तगड़ा काम जो है अपने एटली कुमार ने दिखाया था एंड फिर से अब मेगा स्टार सलमान खान के साथ है तो भाई साहब सीन और ज्यादा सही होने वाला है क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही ह्यूज और बहुत ही तगड़ा लेवल पे जाने वाला है। हर सीन में ये बहुत ही बम ब्लास्टिंग होने वाला है। क्या ख्याल है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी इतना ही अपडेट है कि इस बर्थडे के ऊपर अनाउंसमेंट वीडियो आ सकता है। अगर मेरे पास बहुत ज्यादा मेहरबान हो जाए तो अनाउंसमेंट वीडियो मुझे लगता नहीं क्योंकि इस टाइम पे सलमान भाई फुल फोकस सिकंदर में है, काफी बिजी है और भी मूवीज है जिनमें उन्होंने जो है अपना कमिटमेंट दे रखा है, तो उनमें भी शूटिंग है, भाई का थोड़ा हेल्थ का भी इशू है, तो मुझे लगता नहीं कि अनाउंसमेंट वीडियो कुछ आएगा। बट अगर सब कुछ ग्रीन सिग्नल है तो भाई तीनों स्टार सामने आके एक ये दे सकते हैं कि हाँ भाई हो गया, एक पोस्टर दे सकते हैं, एक तीनों एक साथ आके एक
शुभारंभ कर सकते हैं कि हाँ भाई अब ये मूवी बन रहा है, नेक्स्ट ईयर आने वाला है। क्या ख्याल है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी अपडेट तो इतना ही है कि दिसंबर से जो है एटली सिक्स का ऑफिशियली जो है शूटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड वो मैक्सिमम जाके नेक्स्ट ईयर 2025 के अक्टूबर तक जो है शूटिंग चलने वाला है, सितंबर अक्टूबर तक। देन उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन वर्क एंड नेक्स्ट ईयर ईद में वो मूवी रेडी हो जाएगा। इतना तो अपडेट है, अभी कुछ नहीं हुआ है, पहले से ही इतना सारा प्लानिंग अपडेट आ चुके हैं। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, देखते हैं क्योंकि भाई है कुछ भी कर सकते हैं। क्या ख्याल है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सिकंदर को लेकर बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है, यहाँ पे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक, या फिर चैनल पे जाकर चेक कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।